आगरा में थाना जगदीशपुरा के पलक विहार कॉलोनी में एक जूते की सोल की फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि काफी ऊंचाई तक आग की लपटें उठी। सोल फैक्ट्री में सो रहे मजदूरों और उनके परिवार को कॉलोनी के लोगों ने छत से सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला और आग लगने से फैक्ट्री में रखे केमिकल के ड्रम और गैस सिलेंडर लगातार फटते रहे। साथ ही तेज धमाकों की आवाज जोर जोर से आई। फैक्ट्री में लगी आग की सूचना पर दमकल की एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची। फैक्ट्री चारों तरफ से बंद होने की वजह से आग पर काबू पाने में काफी परेशानी हुई। लगभग 6 घंटे बीत जाने के बाद भी फैक्ट्री में अभी भी आग लगी हुई है। आग लगने की वजहों का खुलासा तो नहीं हो पाया है, लेकिन आग से लाखों का नुकसान जरूर हो गया है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर जूते की फैक्ट्री में भयंकर आग लग गई। आगरा की ये तस्वीरें हैं जहां जूते की फैक्ट्री में आग लग गई और आग इतनी ज्यादा इतनी भयंकर थी कि 6 घंटे तक फायर ब्रिगेड दमकल की गाड़ियां मशक्कत करती रहीं, लेकिन आग पर अभी भी काबू नहीं पाया जा सका है। तो लपटें आप देखिए कितनी दूर दूर तक ये लपटें दिखाई दे रही हैं।